आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और उससे जुड़े संगठन चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। महिला सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष शोभा जोशी ने प्रेस वार्ता कर आगामी चुनाव में कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने की बात कही। शोभी जोशी ने कहा कि 28 अक्टूबर को अल्मोड़ा में सेवा दल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। सेवा दल सम्मेलन के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए डबल इंजन की सरकार को घेरने की शुरुआत होगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। सेवा दल अभी बहुत सदृढ़ रूप से काम कर रहा है, जगह जगह ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है, जगह जगह अपने कैंप लगा रहा है और लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा है। और हमारा ये प्रयास है कि महिलाओं जो आधी आबादी है महिलाओं की, उन आबादी में महिलाओं को दायित्व देकर और घर घर जाकर लोगों को 2024 का चुनाव है उसे कांग्रेस पार्टी उसमें मजबूती से खड़ी रहे और विजय प्राप्त करें, उसके लिए हमने एक रूपरेखा बनाई है कि घर घर जाकर जो कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस के जो कार्य हैं वो जनता तक के पहुंचाएं, और जिससे और जो भाजपा सरकार की जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिला उत्पीड़न है, वो सारी बातें हम घर घर जाकर गांव में बूथ लेवल पर लोगों को अवेयर करवाएंगे।